जय श्री राम मित्रों, भगवान कृष्ण के वंश और नरक राजा की कथा, भगवान श्री कृष्ण और ग्रिगट की कथा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। 56 करोड़ का भगवान का वंश हो गया। वे रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। उन्हें पढ़ाने के लिए 3,000 शिक्षक लगे थे। रानियां देखती कि भगवान हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ, परंतु वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, प्रेम भरी मुस्कान से स्वयं ही मोहित रहती थी। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते थे, तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश सवारती, सुलाती, स्नान कराती और उनको भोजन कराकर अपने हाथों से भगवान की सेवा करती। रुक्मिणी के 10 पुत्र थे, जिनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। कामदेव का जन्म ही प्रद्युम्न के नाम से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में हुआ था। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए, जिनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। जामवंती के बड़े बेटे का नाम सांब था। एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारु भानु आदि राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लगी। वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव दिखाई पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक ग्रिगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्होंने यह वृत्तांत श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए और अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श करते ही उसका ग्रिगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणित हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था। भगवान ने उससे पूछा, महाभाव, तुम कौन हो? तुम्हें किस कर्म के फल स्वरूप इस योनि में आना पड़ा था? आप अपना परिचय दो। राजा ने कहा, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नरग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उनमें मेरा नाम अवश्य ही आपने सुना होगा। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जलधाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। वे सभी गौएं दुधारू, नौजवान, सीधी, सुंदर और कपिला थीं। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। उनके सींहों में सोना मढ़ा दिया गया था और खुर चांदी के थे। उन्हें वस्त्र हार से सजा दिया था। सबके बछड़े थे और भगवान, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील, संपन्न, वेद पाठी होते, उन्हें गौओं का दान करता। एक दिन किसी याचक, दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा,
यह गौ मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है क्योंकि राजा नरक ने मुझे दी है। और वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है। और दूसरी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गौएं दूंगा। मुझसे अनजाने में यह अपराध बन गया है। पर दोनों ब्राह्मण नहीं माने और चले गए। इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फल स्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। तब से आज तक मैं इसी रूप में हूँ। आज आपकी कृपा से इस देह से मुक्ति मिली है। राजन रग इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा करने लगे और फिर आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजन रग के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुटुंब के लोगों को शिक्षा देने के लिए कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है, परंतु ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अरणि से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी संपत्ति लिए बिना भोग जाए तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र इन तीनों पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हठ करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे आने की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो ब्राह्मण का धन हड़पता है समझना चाहिए कि वह जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से जितने धरती के धूलिकण भीगते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व छीनने वाले को कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वे 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए कभी भूले से भी ब्राह्मण के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनना तो अलग रहा, वे इस जन्म में अल्पायु शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण अपराध करे, मार ही क्यों न बैठे, बहुत सी गलतियां या श्राप ही क्यों न दे, उसे नमस्कार ही करो। इस प्रकार भगवान अपने ही पुत्रों और पौत्रों को समय समय पर शिक्षा देते रहते थे। मित्रों, इस कथा का सार तो यही है, भगवान भी ब्राह्मण को अपना इष्ट देव मानते हैं। ब्राह्मण शब्द में ही हम ब्राह्मण देव लगाते हैं। नारद जी को भगवान वैकुंठ में बार बार बुलाते हैं ताकि उनकी चरण धूलि से वैकुंठ पवित्र हो जाए। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।